बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली कंटिन्यूशन ऑफ एनसिस ट्यूटोरियल्स के हवाले से, बेसिकली ICEM के ट्यूटोरियल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली एक मैशिंग का टूल है जो कि एनसिस हमें प्रोवाइड करता है। तो अभी तक जितने भी ट्यूटोरियल्स अभी तक हमने किए हैं वो बेसिकली एक 2D पाइप जंक्शन के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 2D पाइप जंक्शन के लिए मैश जनरेट नहीं किया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो समझा रहा हूँ हर ट्यूटोरियल में। तो आज की जो ट्यूटोरियल है उसमें स्टेप 4 और स्टेप 5 को हम कवर करेंगे। स्टेप 4 जो है वो है अप्लाई मैश पैरामीटर्स, ठीक है। इन दिस स्टेप यू विल सेट मैश पैरामीटर टू ऑन द ज्योमेट्री कर्व्स इन दिस 2D केस। ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम मैश के पैरामीटर्स को सेट करते हैं ज्योमेट्री पे, और 2D केस में हम कर्व्स कहते हैं उसको। दिस इज डन एट द ज्योमेट्री लेवल एंड कैन बी डन बिफोर और आफ्टर द ब्लॉकिंग। ये ज्योमेट्री लेवल पे होता है और ये ब्लॉकिंग क्रिएट करने से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो हम जाएंगे किधर, हम मैश में जाएंगे और कर्व मैश सेटअप में जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह की पिक्चर आपके पास क्यों आ जाएगी, मैं आपको दिखाता भी हूँ। इस तरह की पिक्चर आ जाएगी कर्व मेशर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है कि कर्व्स को सेलेक्ट करना है और द सेलेक्ट ज्योमेट्री टूल बार अपीयर हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। और उस पर आपने ये देखें ग्लासेस बने हुए हैं, इस पर क्लिक करना है। इसका मतलब होता है कि सेलेक्ट ऑल अप्रोप्रिएट विजिबल ऑब्जेक्ट्स, वो उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें जो कि विजिबल हैं आपके पास, ठीक है। और इस केस हमारे केस में एजेस आप कह लें, ये कर्व्स कह लें, और वी भी प्रेस करेंगे तो जितनी भी विजिबल चीज़ें होंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी। एंटर वन करेंगे मैक्सिमम साइज के अंदर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि एंटर वन क्यों करेंगे और हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ये बता दो। मैक्सिमम साइज डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द एज सेगमेंट ऑन द कर्व और सरफेस फॉर 3D। मैक्सिमम साइज ये बताता है कि जो हमारे पास एज सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, एज सेगमेंट की लेंथ कितनी है कर्व के ऊपर, ठीक है। और सरफेस और 3D के केस में सरफेस के बारे में बताता है, कर्व के केस में एज सेगमेंट, एज सेगमेंट के लिए बताता है, और 3D केस में हमें सरफेस के लिए बताता है। हाइट डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द फर्स्ट लेयर नॉर्मल टू द कर्व। हाइट बताता है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द फर्स्ट लेयर नॉर्मल टू द कर्व, मतलब कि एज की लेंथ क्या है जो फर्स्ट लेयर की है, फर्स्ट लेयर मतलब की लेंथ ऑफ एज क्या है जो नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल टू द कर्व जो है वो आपके पास फर्स्ट लेयर जो है उसकी लेंथ ऑफ एज क्या है, और हाइट रेशियो जो है वो नॉर्मल हाइट्स ऑफ सबसिक्वेंट लेयर, मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं उनके दरमियान की हाइट जो है वो बेसिकली हाइट रेशियो बताता है, ठीक है। इन दिस केस हाइट एंड रेशियो आर डिटरमाइंड बाय द परपेंडिकुलर कर्व्स हुज मैक्सिमम साइज विल ओवरराइड एनी हाइट और रेशियो सेटिंग्स। इन दिस केस मतलब ये कह रहा है कि हाइट एंड रेशियो डिटरमाइन बाय द परपेंडिकुलर कर्व्स हुज मैक्सिमम साइज विल ओवरराइड एनी हाइट और रेशियो सेटिंग्स। हमारे इस केस में हाइट और रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर कर्व से मैयर होती है, ठीक है। हाइट और रेशियो जो परपेंडिकुलर कर्व में होती है जिसकी मैक्सिमम साइज जो है वो किसी भी हाइट को और रेशियो सेटिंग को ओवरराइड कर देती है, ठीक है, याद रखिएगा। और रिटेन द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर ऑल अदर पैरामीटर्स एंड क्लिक बैक, बाकी वो कह रहा है कि बाकी जो सेटिंग्स है उसको रिमेन जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने दें, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने इनिशियल मैश जो है बनाना है, वो कैसे करेंगे, ब्लॉकिंग में जाएंगे, प्री मैश पैरामीटर्स में जाएंगे, अपडेट साइज करेंगे, ठीक है। और अपडेट साइज रिटेन द सिलेक्शन ऑफ अपडेट ऑल, और इसमें ऑप्शन सेलेक्ट अपडेट ऑल का करेंगे। दिस विल ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स ऑन द एज फ्रॉम द मैश साइज सेट ऑन द कर्व, और ये ऑटोमेटिकली ने बता देगा कि ना आपने जो साइज सेलेक्ट किया है और आपकी जो ज्योमेट्री है उस हिसाब से जो है वो कितने नंबर ऑफ नोड्स आएंगे। देखें दिस विल ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स ऑन द एजेस फ्रॉम द मैश साइज सेट ऑन द कर्व्स। फिर आपने क्या करना है कि सेलेक्ट रन चेक फिक्स ब्लॉक्स टू चेक फॉर मैश प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली एंड रिपेंट देम इफ पॉसिबल। आपने रन चेक फिक्स ब्लॉक के ऑप्शन को टिक कर देना है, इससे क्या करेगा वो मैश प्रॉब्लम्स को देखेगा और खुद ही रिपेयर करेगा अगर पॉसिबल हुआ, अदरवाइज वो एरर जनरेट कर देगा ताकि आप खुद उसको रिपेयर करें। अप्लाई करना है, इनेबल प्री मैश करना है आपने ताकि आपको प्री मैश दिखाई दे, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा। ब्लॉकिंग में जाकर लेफ्ट माउस बटन, द मैश डायलॉग विल अपीयर आस्किंग इफ यू वांट टू रीकंप्लीट द मैश। मैश डायलॉग सामने आएगा, वो कहेगा कि आया आप मैश कैलकुलेट करना चाहते हैं या नहीं, आपने यस पे क्लिक करना है। और वर्टिसेस और एजेस को बेशक डिसेबल कर देना भी करें तो इशू नहीं है, लेकिन वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो करेंगे किस तरह, ब्लॉकिंग में जाके लेफ्ट माउस बटन वर्टिसेस, ब्लॉकिंग में जाके लेफ्ट माउस बटन एजेस, और आपके पास कुछ इस तरह का मैश आएगा। लेकिन हमारे केस में शायद इस तरह का मैश ना भी है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्री है ना हमने वो अपनी मर्जी की डायमेंशन से बनाई है, आपने अपनी ज्योमेट्री अपनी मर्जी की डायमेंशन से बनाई होगी, जिसलिए जो मैश होगा ना अगर इसके केस में 1 की वैल्यू पर ये मैश आया ना, जरूरी नहीं आपके जो मैक्सिमम साइज 1 पे ही ऐसा मैश आए, वो आपके केस में मैक्सिमम साइज की जगह कुछ और पुट करना पड़ेगा तब जाके ये शेप आएगी। नोट किया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इनिशियल मैश इज सेंसिटिव टू एग्जैक्ट वर्टेक्स प्लेसमेंट। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनिशियल मैश में वो एग्जैक्ट वर्टेक्स प्लेसमेंट के लिए सेंसिटिव है। लॉन्गेस्ट एज लेंथ इज इंडेक्स डिवाइड बाय द मैक्सिमम साइज फाउंड अलोंग दैट इंडेक्स। तो क्या होगा कि लॉन्गेस्ट एज लेंथ होगी वो क्या होगा डिवाइड बाय मैक्सिमम साइज होगा, ताकि ये जो डिवाइड हो जाएगा ना मतलब मैक्सिमम साइज होगा ना वो एक बॉक्स का होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जितने भी ये इसी लिहाज से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये दोबारा पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इनिशियल मैश सेंसिटिव टू एग्जैक्ट वर्टेक्स प्लेसमेंट। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो सेंसिटिव होंगे कि एग्जैक्ट वर्टेक्स की प्लेसमेंट किधर है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। और लॉन्गेस्ट एज लेंथ जो होगी ना इन एन इंडेक्स डिवाइड बाय द मैक्सिमम साइज फाउंड अलोंग दैट इंडेक्स। मतलब लॉन्गेस्ट जो एज लेंथ होगी वो क्या होगी इन एन इंडेक्स डिवाइड बाय द मैक्सिमम साइज फाउंड अलोंग दैट इंडेक्स होगी। हेंस योर मैश मे स्लाइटली डिफर फ्रॉम द मैश। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि क्यों ऐसा कह रहा है।
ये देखें आपके पास मूव द वर्टेक्स के जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल किया था तो हमारे पास एक ऐसी शेप आ गई थी। अब हम करते हैं कि हम चलते हैं अपना मैश की जाने, मैश में आपने देखिए किस पे क्लिक किया, कर्व मैश सेटअप, कर्व मैश पे क्लिक किया आपने, इस पे क्लिक कर लिया। इसमें देखें इसे क्या मतलब है, सेलेक्ट ऑल अप्रोप्रिएट विजिबल ऑब्जेक्ट्स, ये क्लिक किया, देखें सारे ब्लैक कलर वाले ये हो गए सेलेक्ट। उसके बाद देखें साइज में मैं फिलहाल के लिए 1 फुट करता हूँ, फिलहाल के लिए ठीक है, मैंने 1 फुट कर दिया, अप्लाई किया, ओके हो गया। उसके बाद ब्लॉकिंग में गया और मैंने क्या किया, ये देखें प्री मैश पैरामीटर्स पे चला गया, ये देखें अपडेट साइज पे गया और ये अपडेट ऑल पे क्लिक कर दिया और रन चेक और फिक्स ब्लॉक पे क्लिक किया और अप्लाई किया। अब देखिए बता रहा है नोड्स आपके 18 है और क्वार्ट्स आपके 8 है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे दिखाई भी दें तो मैं करता हूँ कि मैं ये देखें प्री मैश ब्लॉकिंग में जाना, प्री मैश पे क्लिक करूँगा, देखिएगा यस यस। देखें आपके पास देखें कैसा मैश आया, मैं आपको जरा ना इसके वर्टिसेस ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखें वर्टिसेस मैंने ऑफ किए, एजेस मैंने ऑफ किए, बल्कि एक मिनट वर्टिसेस ऑफ कर दिए, एजेस ऑफ कर दिए, कर्व्स चले कर्व्स करने दें, ब्लॉकिंग ब्लॉक्स मैंने ऑफ कर देता हूँ, चले कर्व्स ऑफ कर देता हूँ। तो देखें इस तरह की शेप बन रही है, हालांकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें अच्छा मैश चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोबारा जाएंगे मैश के ऊपर, हाँ हिट एंड ट्रायल है ये, तो दोबारा सेलेक्ट किया, ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि 0.01 पुट करते हैं, 0.01 अप्लाई किया। अच्छा वो कहता है कि आप पहले ये करें उसके बाद ये करें, अच्छा सॉरी ये कर्व वो डिस्प्ले नहीं हो रही तो वो कैसे सेलेक्ट करेगा, ठीक है इस पे दोबारा जाता हूँ। इस पे बल्कि सॉरी मैंने ना मुझे लॉक करना चाहिए उसको, ये देखें ये है ना, मिसाल पर मैं 0.001 करता हूँ, मुझे उसका लॉक भी करना चाहिए, देखें लॉक किया मैंने इसको, अब ओके हो गया। अभी भी ये ना उसको उस तरह रीड नहीं कर रहा है जिस तरह इसको करना चाहिए, ये देखें अब लॉक किया। अच्छा ये इसके थोड़ा सा ना अजीब सा एक इशू है, ये समझ से भी बाहर है कि ये इस तरह क्यों करता है। ये देखिए कितने नोट्स हो गए, 1004 क्वार्ट्स 900, देखें अब मैं कब्ज़ बंद करता हूँ, ज़रा कब्ज़ बंद करता हूँ अपना क्वार्ट्स, देखिए क्वार्ट्स बंद किए मैंने, ठीक है देखें आपके पास शेप समझ आ रही है ना, कितनी खूबसूरत शेप आ रही है, ये और मज़ीद भी बेहतर हो सकती है। आपको क्या करना है, बढ़ाते रहना है नंबर ऑफ एलिमेंट, छोटे करते रहना है, मतलब 0. उसने 1 रखा हुआ था, मैंने क्या किया 0.01 भी देखा, 0.001 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो देखें आपके पास किस तरह की शेप आ रही है, तो होप्स आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया होगा जो हमने आज स्टेप्स देखे हैं कि आपने प्री मैश कैसे बनाना है, इनिशियल मैश आप कह रहे हैं प्री मैश, और आपने जो उससे पहले जो है वो कर्व मैश सेटअप कैसे डेवलप करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी हद तक समझ आई होगी, तो फिर भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर पूछ लीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।